माशाल्लाह जी, बच्चों की फरमाइश जो है वो पूरी कर दिया है, क्योंकि घर आते ही बच्चों ने फरमाइश कर दी थी इस रोटी की जो कि हमने बना ली। मिर्ची हाथ के साथ काटती हो? हाँ जी। आपके हाथ को मिर्ची नहीं लगती? मुझे नहीं लगती। माशाल्लाह जी, अभी इन्होंने जर्सी वगैरह जो है वो पहन लिया है, अभी आ चुकी है किचन के अंदर और किचन की हो रही है जी सफाई। कह रहे थे कि आपका वजन ज्यादा है तो इसलिए बाइक जो है ना ठीक से निकाल रही है। नहीं, ऐसे भी काफी ज्यादा होता था तब जो है ना मेरी बाइक ऐसे कहती थी। माशाल्लाह जी, आज जो है वो जल चुकी है और ऊपर से गुहे वगैरह जो है वो भी रख दिए गए हैं। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, पहली रोटी जो है ना थोबी के ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से व्लॉग भी हमारा हो चुका है स्टार्ट। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम बहन भाइयों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जो चैनल पर न्यू है चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। उसके बाद चलते हैं व्लॉग की तरफ। आज का आपको दिखाते हैं व्लॉग। और माशाल्लाह आज सारा दिन जो है ना सुबह से धूप निकली हुई है, अभी तक देखें धूप ही धूप है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा मौसम बना हुआ है। बच्चों वगैरह ने जो है वो नहा लिया है, तैयारी वगैरह भी कर लिया है। अभी असर की जो है ना वो अजाने आ रही है, अजाने के बाद जो है फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। माशाल्लाह जी, नादिया ने की थी कोट और दूसरे शॉपिंग, वो अपने चैनल पर दिखा रही थी, अचानक मैं आ गया तो मैंने कहा चलो मैं भी दिखा दूं। वाह, मैंने पूरी भी शॉपिंग तो नहीं दिखाई ना, वो तो आपको मिलेगी नादिया विलेज फूड पर। आप चले जाएं नादिया विलेज फूड पर तो जो चीज़ भी इन्होंने ली है, जो चीज़ भी शॉपिंग की है, वो आपको उधर मिल जाएगी नादिया विलेज फूड पर। लेकिन मैंने तो वैसे कहा है कि इसकी ना शक्ल थोड़ी सोनी लग रही थी, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा क्लिप लगा लेते हैं। अच्छा, बच्चे वगैरह भी तैयार, आप भी तैयार? आज क्योंकि धूप निकली हुई थी ना, अच्छा मौसम सही था, क्योंकि जैसा कि आपको पता है ना कि सर्दियों के दिन है तो फिर इंसान का कोई इंसान जो है ना देखता रहता है कहीं धूप निकले और हम जो है ना किसी चीज पे मूड भी नहीं होता कि नहा ले या कोई कपड़े वगैरह चेंज कर ले, क्योंकि ठंडे हुए पड़े होते हैं कपड़े भी और पानी भी इतना ठंडा होता है और ऊपर से धूप नहीं निकली हुई होती तो दिल नहीं करता। तो इसलिए आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सूरज निकला हुआ था सही। अभी तक भी धूप है लेकिन हमारे घर तो नहीं है। हम तो वैसे के वैसे काम रहे हैं क्योंकि सुबह सुबह धूप लगती है हमें, और जैसे ही कुछ तकरीबन 12 बजे के बाद जो है ना, अभी देखे बिल्कुल धूप नहीं है जी। सारी छाँ हो गई है। चलो सही है, अल्हम्दुलिल्लाह जी बहर आ गए थे क्योंकि घर में ना छाँ है, लेकिन बहर उधर जाके खड़े हो गए थे तो उधर ना काफ़ी ज़्यादा धूप थी, मज़ा आ गया है। तो काफ़ी धूप लगवा ली है, अभी चल के देखते हैं नादिया जो है वो क्या कर रही है, क्योंकि रेसिपी का टाइम भी हो चुका है, रेसिपी वगैरह जो है वो भी बनानी है। तो चलते हैं, चल के देखते हैं कि कौन सी रेसिपी जो है ना वो बनाई जा रही है, देखते हैं। गाड़ी नहीं, बोलो रसगुल्ले। हाँ जी। आज क्या बना रही हो? आज आलू मटर बना रहे हैं। आलू मटर? हाँ जी। अच्छा, मैंने कहा कि आलू मटर की रेसिपी बना लेती हूँ, तो वो जो अम्मी ने चावल का आटा दिया है तो वो मैंने कहा रोटी बना लूंगी, क्योंकि आलू मटर के साथ सही लगती है। तो अच्छा, आज वो क्या कहते हैं मिस्सी रोटी बनानी है? हाँ, आज वही रोटी बना लूंगी और आलू मटर का सालन। तो वैसे तो वो साग के साथ अच्छी लगती है। साग हमारे पास तो है नहीं और हमें यहाँ पास कहीं मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आलू मटर बना लेते हैं। तो उसके साथ ही बच्चे क्योंकि कब का कह रहे हैं कि मम्मा वो चावल की रोटी बना लें, हमने खानी है, तो मैंने कहा क्यों ना आज बना लेते हैं, तो बच्चे भी खा लेंगे और हम भी खा लेंगे। सही, ऐसा है प्रेम खान? आप खाते हो चावलों वाली रोटी? मैं तो चस्क नहीं खाता हूँ, मुझे इधर जाके जब मैं खाता हूँ मुझे इधर जाके फंस जाती है। आपको फंस जाती है तो आप पानी पी लेना। पानी चाहे पियो फिर भी वो फंसी रहती है। आप रोज रोज खाते हो जो आपको फंस जाती है। पूरी सर्दियों में तो हमने बनाई नहीं है कभी, तो आज पहली मरतबा बना रहे हैं तो फिर भी आप कहते हो कि मुझे फंस जाएगी। नहीं फंसेगी, मैं आपके साथ पानी का गिलास भर के रख दूंगी।
जब भी फंसेगी तो फिर जल्दी से पानी पिला दूंगी। नहीं, पानी तो मैं चाहे 3-4 गिलास पी जाऊं तो तब भी वो जो है ना इधर फंसी रहती है वो, क्योंकि वो सख्त रोटी होती है जो कि मेरे इधर होती है, लेकिन आलू के साथ खुश्क नहीं लगेगी आपको। अच्छा, साग के साथ भी, क्योंकि आलू का शोरबा होता है ना, फिर शोरबे में जो है ना डबो डबो के खाए तो वो जो है ना खुश्क नहीं होती। आप चावलों की रोटी खाती हो? यार ये तो डांस करने लग गया, बच्चे बहुत शौकीन है खाने के यार। अच्छा, इसलिए मैं क्यों नहीं पकाती थी, क्योंकि तवा हमारा जो है ना काफी पतला हो चुका था, तो उसमें रोटियां जल जाती थी, तो चावल की रोटी सही नहीं बनती थी। तो जैसा कि सुबह थोबी पे मैंने बनाया था, तो आज मैंने कहा चावल की रोटी उसी पर बना लेती हूँ, क्योंकि जलेगी भी नहीं और रोटी जो है ना वो अच्छी बन जाएगी। सही हो गया। हाँ जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आलू भी कट गए और प्याज भी कट गए और टमाटर भी कट गए। प्याज कितने एक प्याज थे, नज़र तो नहीं आ रहे। मिसाल में जितने थे वही हैं बस। अच्छा, छोटा मतलब थे 3 प्याज, लेकिन थे इतने इतने। वो 3 में से एक दे देता अच्छे वाला तो सही नहीं था। हाँ सही था, लेकिन बस वो भी कहते हैं गुजारा चल रहा है। तो जी आज बनाए गए आलू मटर वाली रेसिपी, जैसे आपने पहले देख लिया होगा हमने बता दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी भी देखें इधर कैसे धूप आ रही है, तो हमारे यहाँ बिल्कुल छाँ है। हमने ना क्या किया है, कोट पहन लिया है देखें, क्योंकि धूप अभी तक भी फुल है। मैं आपको अहमद भाई वालों का घर दिखाता हूँ, तो उधर आपको समझ आ जाएगी कितना धूप है। ये देखें उधर धूप ही धूप है, लेकिन ये है कि हमारे यहाँ जो है ना ये इधर से सूरज जो है ना बिल्कुल छुप गया है। जब सूरज छुप गया तो हमारे यहाँ धूप कहाँ से आवेगी, ये तो ज़रा आप सोच ले वो। और नादिया जो है वो कांप रही है, कांड लग रही है। जर्सी पहनो ना, जर्सी रखी है वो साथ रखी हुई है, पहनती नहीं है, ऐसे कर रही है, ऐसे 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 कर रही है, जर्सी पहन नहीं रही। इसका मकसद ये है कि ये सोच रही है कि मैं ये सारा काम कर लूँ, फिर जो उठूंगी जर्सी भी पहनूंगी और बाकी काम जो है ना वो शुरू कर लूंगी। मैं इसकी बात बड़ी अच्छी तरह से समझता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। सही है आपको, बिल्कुल सही समझा है आपने, सही समझा है ना। ये बस थोड़ी सी मिर्ची है, ये काट लूं, फिर जैसे ही उठूंगी तो जर्सी पहन के। ये मिर्ची हाथ के साथ काटती हो? हाँ जी। आपके हाथ को मिर्ची नहीं लगती? मुझे नहीं लगती। अच्छा, जो ज्यादा काफी बहन भाई कहते हैं हमने तो हाथ पे शापर चढ़ा के काटते हैं। काटते होंगे, लेकिन मैं ऐसे ही काटती हूँ ऐसे बस। मिर्ची भी देखें हाथ के साथ काटती है, भी नहीं धोती बस ऐसे काट के चले जाती। ये आपका मिर्ची वाकई नहीं लगती क्या हाथ में? मुझे लगती तो मैं एहतियात नहीं करती, नहीं लगती तो इसलिए तो एहतियात नहीं करती। अच्छा, मैं सब्जी की तरह काट के चले जाती हूँ। जैसे सब्जी काटनी होती है समय लेके, मिर्ची को भी ऐसे समझती है कि ये भी समय लेके सब्जी है। अगर मुझे ना इस तो ये कुछ होता तो फिर मैं पहले से ही कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेती, लेकिन कुछ नहीं होता इसलिए तो ऐसे ही काट के चले जाती हूँ। मैं तो हाथ भी नहीं धोती बस ऐसे ही। यानी कि मिर्ची काट के फिर दोबारा हाथ भी नहीं धोती? नहीं धोती, चली जाती हूँ, फिर रेसिपी बनाना शुरू कर देती हूँ, फिर भी मिर्ची हाथ को कुछ नहीं कहती, कुछ नहीं कहती। अच्छा चलो, ये आपकी परस्ते का है। अगर आप कटेंगे तो आपको वो जो है ना मिर्ची की आग लग जाएगी। मैं कटूंगा तो? हाँ, अच्छा मुझे नहीं पता चलता कि ये आग लग रही है या नहीं लग रही। आपको आग लगने का भी पता नहीं चलता? हाँ जी। अच्छा चलो, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपकी लंबी जिंदगी करे, लंबी उम्र करे। आमीन आमीन। अल्लाह पाक आपका साया अपने बच्चों पर कायम रखे। आमीन। और आपका हस्बैंड आपके साथ रहे। आमीन। हंस क्यों रहे हो? कहाँ हंस रहा हूँ, आपने जो कहा है आपका हस्बैंड जो है ना आपके साथ रहे। तो साथ ही है ना, ये देखें ये इसका हस्बैंड, ये है नादिया। हाँ जी। तो इसके साथ खड़ा है, व्लॉग बना रहा है, तो आपने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक जो है ना जोड़ी सलामत रखे जी, और अल्लाह पाक दुख मुसीबत से महफूज पर रखे। और अभी उठ रही है जी, अभी अजर्सी इन्होंने पकड़ ली है, अभी मर्चू वाले हाथों से अजर्सी भी पहन लेगी। पता नहीं क्यों रही है यार, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, तो ये जर्सी पहन लो। जूता
कुत्ता भी ठंडा हो। अभी जी ये पहनने की जर्सी, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बाद में। अभी इन्होंने जर्सी वगैरह जो है वो पहन ली है, अभी आ चुकी है किचन के अंदर और किचन की हो रही है जी सफाई। झाड़ू लगाया जा रहा है किचन में और झाड़ू लगा के ये सारा कचरा वगैरह जो है ये उठाना है और इधर लकड़ी डालनी है, लकड़ी रख के फिर जो है ना हम बनाएंगे हांडी और रोटी। तो ये सारा वो तगारी उठा के ये निकाल लोगी क्या? चावल वाली रोटी। ऐसे नहीं शोर किया करो, ये लकड़ी की सुआ है ना, शोर क्यों करते हो? ये कहाँ से लेकर आए हो ये चीज ही? दुकान से। किससे पैसे लिए थे? आपसे। मैंने तो आपको दिए थे वो अपना मर्ची के और पापे के, आपने उधर से फट्टी लगा ली। हाँ जी। काम चेक करें जी इनके, ये जैसे भी दुकान पे जाता है ना ये फट्टी लगा के आता है, इनकी आदत है। आदत तो इसकी ना अच्छी करनी पड़ेगी मुझे। वाह जी वाह, एक चोल जो है ना साफ हो गई है और दूसरी के अंदर जो है ना ये लग गई है। ये क्यों उठा के बाहर फेंक रही हो? ये जो है ना गीले हुए पड़े, ऊपर से पानी है। ये गीले क्यों हो गए? ये पानी है सारा, जैसे कि पानी गिराते हैं ना। अच्छा, ये सारे के सारे गीले हो चुके हैं। तो आप पानी ना गिराते, ये 2 रुपए का नुकसान कर दिया आपने। हाँ, ये तो है। 2 रुपए का एक मिलता है तो आपने 2 रुपए का ना नुकसान कर दिया है। ये दोनों मैंने चूल्हे जो है ना साफ कर दिए हैं। अभी माशाल्लाह जी सफाई हो चुकी है किचन की, झाड़ू वगैरह लग चुका है, पीढ़ियाँ वगैरह लगा दी गई हैं और उसके अलावा जो है ना फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी हांडी पकानी। रेसिपी हो गई और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं रोटी वगैरह भी हो गई। उधर किधर छुप गई हो? लकड़ी उधर किधर रखी है? सुबह भूल गई थी, ये थोड़ी गीली हुई पड़ी थी, इसको धूप पे रख देती ना तो फिर अच्छी जल जाती। अच्छा, ये किस कद कब काट के रखी थी? ये वहाँ जाने से पहले, आका भाई वालों के घर जाने से पहले मैंने काट रखी। अच्छा, तो ये ना शायद बारिश आई है हल्की फुल्की तो ये थोड़ी थोड़ी सी गीली है, लेकिन फिर भी आग जल जाती है। साथ वो होते हैं ना थापियाँ, थापियाँ कहते हैं, क्या कहते हैं? तगारी में डाल के ले आओ, ले आओ। बाहर रखी हुई है क्योंकि बाहर उनको वो याद आ गए थे, उनको मैंने धूप पे रख दिया था। वो कोई अभी बता नहीं रहा था, तोड़ गए हैं बच्चे। ये बच्चों का तो काम यही होता है। ये देखें कितना नुकसान कर दिया, 2 रुपए का आपने नुकसान कर दिया वो गिले करके, और 5-7 रुपए का इन्होंने नुकसान कर, 10 रुपए का नुकसान हो गया जी आज की डेट में मेरा 10 रुपए का नुकसान हो गया है सिर्फ ये थापियाँ वगैरह से। नुकसान होते रहते हैं लेकिन ऐसे नहीं होते हैं। काफी सारी धूप थी। अच्छा, तो मैंने कहा कि ये जो है ना यहीं पर सोख जाएंगे, है ना, जाएंगे और अच्छे जो है ना जलेंगे। हाँ, सोख तो गए हैं अभी माशाल्लाह, अच्छे हो गए हैं जी। अच्छा, लकड़ भी आ चुकी है और ये भी लेकर आ रही है, फिर हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। क्योंकि जब हम बाहर कहीं जाते हैं ना तो हमारे व्लॉग जो है ना वो अच्छे अच्छे नहीं बन पाते, पता नहीं क्या वजह होती है। वो वजह ये होती है कि हम कौन सा कोई खाना वगैरह बनाते हैं या कोई नहीं, काम तो उधर आप भी करती रही है, वो बात नहीं होती। बात असल में ये होती है कि जो होता है ना कैमरे में ना आने वाले लोग जो है ना नहीं होते हैं, कम होते हैं एक दो, फिर वो जो है ना वो कैमरे की आंख से ना बचाना पड़ता है, एक एक को ना कैमरे की आंख से बचाना पड़ता है। हाँ, फिर वो ना वो अगर कोई गलती से आ भी जाता है तो उसको एडिट वाले काटना पड़ता है, लेकिन वो ना इस वजह से जो है ना हम इधर जो घर अपने में होते हैं ना, देखें अभी मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, ताकि मुझे पता है भाई इधर जो है ना कोई बगैर कैमरे वाला जो है ना वो नहीं आएगा। अभी देखें ये हमारे पौधे भी काफ़ी दिन से परेशान थे, इनको भी मैंने पानी वगैरह जो है ना वो देना है, ताकि ये जो है ना इधर सूख भी ना जाए, अगर ये सूख गए तो फिर समय ले काम खराब हो जाएगा। इसको काफी दिन हो गए, काफी दिन हो गए, जब हम गए भी नहीं थे उससे पहले भी इनको पानी नहीं मिला था। फिर आज जो है ना आप ऐसे करें पानी वगैरह उधर इकट्ठा करें, उतनी देर में ना मैं इनको सबको ना पानी देता हूँ, लेकिन आपने उस दिन जो नुकसान किया था ये वाला, अब इसको मैं कैसे पानी दूं? ऊपर से डाल देना कुछ ना कुछ, वो देना उसको मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा इसका जी। ये देखें ये तोड़ दिया था जो गमला होता है, इन्होंने ऊपर जैसे वो तकिया खड़ा है ना उधर वो रजाई,
गद्दा वगैरह ऐसे ऊपर डाला, जब शाम को उतारने लगी तो इसमें दीवार में से ईंट गिरी, उन्होंने ये तोड़ दिया। ये क्योंकि हिफाजत जो है ना वो करती नहीं है यार, एक तो बात और बताऊं आपको। हाँ जी, अगर कोई काटने वाली चीज हो ना, हाँ, तो इस कवे को ना इस खंटर में आप काट दे मुझे। ये इसको नहीं काटो, मैं जाऊंगा सुबह चौक पे, ये इसको अगर कटवाएंगे ना, ये होता है कटर के साथ काटना पड़ता है, फिर वो ना गुलाई में नहीं काटते, पमैश में नहीं काटते, वैसे भी खराब हो जाता है, वो बना बनाया ना वो उधर से मिल जाता है। चलो वो ले आना कल, फिर हम जो है ना ये हांडी जैसे बनाएंगे ना, कढ़ाई तो कढ़ाई काले नहीं होगी और धुआं वगैरह नहीं आता, वो मुझे पता है, वो पता नहीं कितने के 100-150 के देंगे, वो ले आएंगे। इधर अगर कटवाएं तो उतना मजदूरी भी लग जाएगी, क्योंकि आपको पता है वो अब्बास भाई ने भी कटवाया था तवा, हाँ, तो क्या कह रहे थे, खराब हो गया था, नहीं कटा था सही। सही है तो कल जो है ना, मैंने कल जाना है, वो लकड़ी का भी पता करना है, लकड़ी भी लेनी है, उसके अलावा जो है ये चीज जो है ये भी लूंगा, और जो है ना वो बच्चियों के कपड़े जो मैं लेकर आई हूँ ना, उनके लेसें तो वगैरह होंगे, लेसें वगैरह होंगी वो भी लेते, जो भी सामान होगा ना जी, कल जाएंगे इंशाल्लाह चौक पे, क्योंकि आज जैसे आपको पता है रात लेट पहुंचे थे और सुबह जो है ना व्लॉग वगैरह बनाया, और बाइक को मैंने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया, और बाइक की भी हालत जो है ना वो मिट्टी हुई पड़ी है, क्योंकि ये धुंध वगैरह और ये मिल्क की राखी वगैरह ये चीज़ें आती रहती हैं ना, फिर मैं तो रोज़ सुबह उठ के ना कपड़ा लगाता था, उसके लशपश करता था, लेकिन मायोदिन भाई ने जो है ना एक दिन पता नहीं काम आई, दो दिन आई, फिर उन्होंने उधर खड़ी कर दी थी, एक जगह पे खड़ी खड़ी ना वो गंदी हो गई है, तो इसको सर्विस वगैरह भी कल करवाएंगे, और इसकी शाखें जो है ना वो भी आवाज़ दे रही हैं, उनको ग्रीस वगैरह करवानी है। कल मेरा काम वैसे काफ़ी ज़्यादा है, कल का शुरू हो जाना ना, नाश्ता करके फिर अपने काम को लग जाना, क्योंकि इनकी शाखें जो है ना वो ग्रीस करानी है, आपको पता नहीं है बाइक पे बैठी है कैसे करती हैं, हाँ। तो इसकी शाखें भी ग्रीस होने वाली हैं, वो भी करानी है, और इसकी सर्विस भी करानी है, देखें गंदा हो गया है मिट्टी से। आप तो कह रहे थे कि आपका वजन ज्यादा है तो इसलिए बाइक जो है ना ठीक से निकाल रही है। नहीं, वो तो वजन आपका वैसे भी काफी ज्यादा होता था, तब जो है ना मेरी बाइक ऐसे कहती थी, जब भी जम पाता था, इतना भी मेरा वजन नहीं है जितना आप कह रहे हो, वैसे भी कितने मोटे मोटे लोग बैठते हैं उनसे नहीं होती, मेरे जो है ना वजन इतना हो गया है कि। अच्छा, जब मैं ना दो बंदे और लेकर जाता था तो आवाज नहीं देती थी, इस अकेली को लेकर जाता था फिर भी शाखें करती थी, ओए ओए ओए, मैं कहता था ये क्या होता है, पता नहीं इसका इतना ज्यादा वजन है, पता नहीं क्या है, लेकिन वो फिर बाद में मैंने मिस्त्री से मशवरा किया कि इसकी शाखों को क्या है, उन्होंने कहा ये खुश्क हो गई हैं, इनको ग्रीस होने वाली है, तो फिर मैंने दिल में सोचा है कि इसमें ना नादिया का कोई कसूर नहीं है, शाखों का कसूर है, यही तो मैं कह रही हूँ। चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, आग लगाते हैं, और उसके बाद देखते हैं आगे आगे नादिया बनाती क्या है, कैसे बनाती है, जैसे रोज बनाती हूँ वैसे बनाऊंगी। वो आग जल गई, जल गई आग, जल गई, ऊपर डाली नहीं है, आप खुश होके बैठी है बस, ऊपर लकड़ी डालोगे तो आग लकड़ी को लगी नहीं तो ये जल जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, आपने मुझे बाथरूम में ना लगा दिया है और आग जल गई है, अभी भी जल जाएगी क्योंकि ये लकड़ी जो है ना इसको जल्दी, ये वो दूसरी है ना सुहांजने की लकड़ी है, हाँ, ये इसको जल्दी लग जाती है। माशाल्लाह जी, आग जो है वो जल चुकी है, और ऊपर से गुहे वगैरह जो है वो भी रख दिए गए हैं, ये कितनी देर में बल जाएगी, बस अभी लग रही है, अच्छा आधा घंटा हो गया है आग जलाते जलाते लेकिन अभी जो है ना ये गोया रखा है ऊपर तो आग इसको लग रही है तो सही ये है। कामयाब हो जाएगी, सही हो गया। अभी जी आग जो है वो काफी ज्यादा मच्छर गई है, और लगता है इधर आग ना लग जावे, ओ तेरी खैर, आग लगा दी है हांडी के अंदर, आग लगा दी है क्योंकि असगर भाई आ गए थे, असगर भाई से हम दुआ सलाम करने लग गए थे, तो उसमें ना थोड़ी वो कैमरा ऑन था ना, फिर दुआ सलाम कर रहे थे तो इधर घी हमारा ना वो काफी हद तक गर्म हो गया था, तो नादिया ने कहा जल्दी जल्दी कैमरा खोलो आग ना लग जावे, तो वही काम हुआ है, आग लग जाए, ये लग गई है। पैसे आपको क्या मसला है, दूध आज नहीं लेना, हाँ ये तो सोच रहा होगा नहीं लेना, फिर सुबह इनके ककाट होंगे पापों के लिए, ये कहेगा पापा जो है ना हमने खाना है, पैसे
ना ले तो क्या होगा, पापे वो खराब हो जाएंगे। वाह वाह, नहीं वो दुकान पे तो पड़े रहते हैं दो दो माह। 15 तारीख को खराब हो जाएंगे, इसको पता है 15 तारीख को खराब हो जाएंगे। अभी मैं देता हूँ, थोड़ा वेट करें, मैं वीडियो बना लूँ। अभी जो है ना इसमें डालते हैं जी मिर्ची, लाल मिर्ची। मिर्ची डब्बे में बाद में डालूंगी, पहले ये आप जो न्यू ली है ख्याल करना, थोड़ी कम डाल लेना, ये ना हो कि फिर ये कड़वी हो ज्यादा, फिर काम खराब ना हो जावे, क्योंकि सब्ज मिर्च भी है ना। सब्ज आज मैंने काफी सारी काट ली। हाँ बस ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा पानी लगाओगी, फिर कहोगी गिलास नहीं है। गिलास तो छोड़े, ये हल्दी भी डाली है, ये तो काली डिब्बा है, हल्दी वाला डिब्बा काम गया। हल्दी वाला डिब्बा, हल्दी वाला डिब्बा के अंदर रखा है, उसको उठाया। वसीम हल्दी वाला डब्बा ले, अंदर पड़ा होगा कहीं, अदर अंदर मेज के ऊपर देखे डिब्बा रखा होगा हल्दी वाला। हल्दी वाला डब्बा ले आओ, जल्दी जल्दी आ जाओ, अभी भी आग लग रही है कढ़ाई के अंदर। वो देख, ज्यादा गर्म हो गई है ना, तो इसलिए वो देखे, काफी मसला बन गया है। ये दो मिनट और सब्र करते तो सारी देगची में आग लग जाती, जैसे गोया डाला है ना तो गोये को आग लग गई है। हाँ जी चलो जी, अभी मसाले वगैरह ऐड करते रहेंगे। मैं वसीम को देता हूँ पैसे दूध के, ये लेकर आएगा दूध। हल्दी डाल ले, चलो डाल दो, आलू जो है वो नादिया ने ऐड कर दिए थे, मैं चला गया था थोड़ा बाहर, और मसाला वगैरह तो भुना ही हो चुका था, फिर अभी आया तो आलू जो है ना, आलू की हो रही है भुनाई। हाँ जी, तो जैसे भुनाई हो जाती है फिर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, पानी पक जाएगा तो फिर हम इसको उतार के रख लेंगे। हाँ जी, फिर हम बनाना स्टार्ट कर देंगे रोटी। रोटी फिर रोटी बनाना स्टार्ट कर देंगे, फिर रोटी वैसे जैसे बन जाएगी फिर खाएंगे। हाँ जी, और रोटी भी आज हम थोबी पर बनाएंगे, क्योंकि तवा जो है ना वो रोटियों को जला देता है, थोबी जो है वो रोटियों को जलाती नहीं है, तो इस वजह से हम बनाएंगे थोबी के ऊपर रोटी, क्योंकि अंधेरा भी हो चुका है, अजाने भी मगरब की काफ़ी टाइम की हो चुकी है, और इस वजह से जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो जो है हमारी वो मुकम्मल हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे। अभी सालन बनाते हैं, सालन बनाने के बाद फिर रोटी बनाएंगे, फिर खाएंगे, वो मुकम्मल आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। कोशिश तो मेरी यही है कि मुकम्मल वीडियो जो है आपके साथ शेयर करूं, तो बाकी जो नसीब में होगा, जो अल्लाह पाक को मंजूर होगा वैसे ही होगा, और तमाम देखने वालों को हमेशा अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, और तमाम दुख मुसीबतों से अल्लाह पाक महफूज रखे। और हाजरा जो है ये पता नहीं कहाँ चली गई थी, कहाँ गई थी, खेलने गई थी। अच्छा, आपको बाहर वाला बल्ब यहीं पर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, फिर रोटियां भी हमें बनानी है। अच्छा, वो वाला बल्ब इधर ले आओ, इधर ले आओ, जब इधर से फारिग होगा फिर उधर लगा देंगे। हाँ, जब इधर से फारिग कर देंगे तो फिर वहीं पर लगा देना। सही हो गया, अभी लगा दूं क्या? लगा दें, अंधेरा तो हो रहा है ना। वो देखे बिल्ली कैसे बैठी है, वो असलम भाई के कमरे के ऊपर देखे, ओ कोने में ये वाली, ये देखें जी ये वाली बिल्ली बैठी है बिल्कुल ऊपर, थोड़ी अंधेरे की वजह से नजर कम आ रही है, लेकिन वो पर्दी के ऊपर चढ़ के बैठी है, कितना दूर बैठी थी, अभी देखे मैंने कितना नजदीक कर दिया है आपको। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आलू की भुनाई जो है वो हो रही है, और बल्ब भी मैंने लगा दिया है, नाजा कह रही थी इधर ना बल्ब लगा दे ताकि अंधेरा हो जाएगा फिर रोटी जो है ना वो नहीं अंधेरे में बनेगी, तो इस वजह से मैंने बल्ब जो है ना इधर लगा दिया, क्योंकि ये बल्ब अक्सर ना ये गली में होता है पाली साइड पे ना, क्योंकि बहर जो है ना रोशनाई हो रात को, तो जब इधर से फारिग करेंगे तो फिर उधर दोबारा से लगा देंगे, इसलिए मैं ये होल्डर वाला लेकर आया था। सही है ना, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े उधर ले जाओ, क्योंकि ये किचन में कभी कभार ऐसे लेट हो जाती है तो फिर अंधेरा होता है, फिर इधर जो है ना ऑन कर लेते हैं, इसको बाल लेते हैं, अगर नहीं होता तो फिर उधर पक्का पक्का खड़ा रहता है। हाँ, अगर टाइम पर रोटियां वगैरह खाना वगैरह बना लेते हैं तो वहीं खड़ा रहता है। अभी थपा धनिया काट रही हो? धनिया काट रही हूँ, आलू जो है ना डाल चुके हैं, इसकी भुनाई हो चुकी है, तो इसमें पानी डालती हूँ। सही, और मैंने कहा कि धनिया जो है ना ये भी काट लूँ, और फिर जैसे ही पानी पक जाएगा फिर हमारी गैस भी तैयार हो जाएगी। सही हो गया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
माशाल्लाह जी, पानी जो है हमारा वो भी ऐड हो चुका है। जैसे पानी थोड़ा पक जाएगा फिर सबज धनिया ऐड करके हम उतार लेंगे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जना, आप खाती हो? हाँ जी। आलू मटर खाती हो? आलू कल्ले कल्ले आलू नहीं है, मटर भी है। मटर है लेकिन ना होने की निस्बत है तो थोड़े थोड़े है थे, क्योंकि वो सब्जी वाले के पास थोड़े थे। हाँ, हमने तो कहा था एक पाया पाई एक पाया वो ले आओ, लेकिन वो सब्जी वाले के पास ना कम पड़े थे। अबे जी, बारी आ चुकी है हमारी रोटी बन किस चीज की? चिलड़े। चिलड़े? हाँ जी। अच्छा जी, क्योंकि ये जो है ना जी चावलों का आटा है और आज हम बनाएंगे चावलों की रोटी। हाँ, क्योंकि उधर जो है ना वो सालन हमारा रेडी हो चुका है। रेडी हो गया है? हाँ जी। तो इधर मुस्फेरा जो है वो आटा गूंदने की तैयारी कर रही है ताकि ये आटा गूंद ले, फिर उसके बाद जो है ना रोटी बनाएंगे। कैसे? हाँ जी। तो जल्दी जल्दी से बनाते हैं, फिर भूख मुझे जो है ना वो लगी हुई है। मुझे भी। फिर जाके खाना भी। फिर जाके अंदर बैठ के खाना खाएंगे। हाँ जी। कैसे? हाँ जी। सही हो गया। के साथ खाएंगे। हाँ, चिलड़े के साथ खाएंगे। माशाल्लाह जी, अभी रेसिपी हमारी जो है रेडी होकर आ चुकी है, ये देखें। वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है बंद कर। अभी हांडी जो है हमने रेसिपी जो है वो उतार के दूसरी चोल पर रख दी है और अभी जा रही है नादिया धोबी की तरफ। वो देखना गर्म हुई पड़ी है क्योंकि साथ रखी थी ना। नहीं, ये गर्म नहीं है, ये आग पे हाथ लगा है। अच्छा अच्छा, आग पे हाथ लगा है। सीधी सीधी कर कर रख दो सेंटर में, ओली साइड पे करें और थोड़ी और इस साइड पे करो, ऐसे ऐसे ए और इस साइड पे इधर। हाँ इधर, ये इधर। अब पूरी आ गई, अभी भी मुझे ज्यादा परली साइड पे लग रही है। नहीं, उधर से कम है। सही है। हाँ जी। चलो ठीक हो गया जी, अभी थोबी हमारी ऊपर आ चुकी है और अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं जी चिलड़ा। क्योंकि इधर आटा आपको मैं दिखा दूं, इतना पतला पतला होता है, ये देखें। गुंदा ही हो गया है। हाँ, बाकी वो साथ साथ हाथ लगाते रहते हैं और जो है ना वो पकाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं, पहली रोटी जो है ना थोबी के ऊपर डालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज हमारे बन रहे हैं चिलड़े। हाँ जी। वाह जी वाह, ये वाली रोटी अच्छी बनती है। साथ आपने छुरा वगैरह रखा है? छुरा वगैरह रखा है। अच्छा, साफ कर लो इसको, धनिया वगैरह लगा हुआ है तो फिर इस छुरे के साथ ना ये क्या करेंगे, उतराएंगे ना दूसरी साइड पे। हाँ जी। चलो जी, वो देखे उधर से, ऊपर से। हाँ, ये जैसे जैसे तैयार होगा ना। हाँ, तो तमाम बहन भाई देखेंगे, मजा आता है तैयार करने में। हाँ, और खाने में भी काफी मजा आता है। हाँ, सिर्फ मुझे मजा नहीं आता है। आपको तो मजा आएगा भी नहीं। क्योंकि मुझे मजा नहीं आता, क्योंकि ये इधर जाके फंस जाते हैं। आपको मजा आता है? हाँ जी। इब्राहिम, आपको मजा आता है? हाँ जी। अच्छा चलो सही, और टूट गया जी। टूट गया। आग नहीं आ रही ना ओली साइड पे। इस साइड पे है आग, इस साइड। लेकिन ये लगता है न्यू न्यू है, ये चपक ना जाए रोटी हमारी। चपकती नहीं है, बस ये मेरे ख्याल में कुछ ठंडी थी। ये हमारी ठंडी थी, अभी तो भी ठंडी थी। हाँ, हमने जल्दी काल लिया है ना। हाँ जी। चलो, एक आध रोटी खराब हो जाएगी तो फिर बाद में तो गर्म हो जाएगी ना फुल। हाँ। पहली रोटी जो है हमारी वो तो टूट फूट का शिकार हो गई थी। ये देखें, आधी बनी है। इसको ना इधर रख दे। हाँ जी। तो ये आधी बनी है, टूट फूट का शिकार हो गई है, और दूसरी जो है अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि बन जाएगी, क्योंकि वो थोबी हमारी ना ठंडी थी, इस वजह से ये रोटी ना एक साइड पक्की एक साइड टूट फूट का शिकार हो गई थी। तो बनाते हैं फिर ये ना, आप टेस्ट कर लो। इब्राहिम कह रहा है तो थोड़ा इसको भी दे दो, आप भी चेक करो, हाजरा को भी थोड़ा दे दो, क्योंकि ये न्यू चीज बनती है ना, फिर बच्चे के पास ना सब्र नहीं होता। दे। ये इधर दे दे, और ये थोड़ा रखी रहे ना वहीं पर, इधर से रखी रहे और खाते रहो। रख दो इब्राहिम, आपके हाथ जल जाएंगे। ये गर्म होगी और हाथ पे ना इधर रख दे, रख दे। हाँ, इधर से उठा उठा के खाते जाओ। और अभी देखें जी, अभी लगता है सही बन गया है ना। वो देखें, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। खाने। चलो सही है, सही है, बहुत अच्छा है। तो अभी इसको ना वलाने की कोशिश कर रही है नादिया, और लगता है ये चपक क्यों जाती है। ये है कि
अब लगता है सही है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हाँ जी, नमक आज यहाँ भी कह रही है बहुत अच्छी है। एक तो ये छुरी है ना, ये भी सही नहीं उठा रही है इसको, वह देखे माशाल्लाह जी। ये तवा होता ना ये जल जाती, हाँ जी। लेकिन इधर जली नहीं है, ये बिल्कुल VIP साफ सुथरा जो है ना चिलड़ा बन जाएगा क्या माशाल्लाह जी। दो तीन चिलड़े जो है हमारे बन चुके हैं, मैं अभी ना चेक कराता हूँ। ये देखें, ये है थोबी का कमाल, बिल्कुल जलते नहीं है, ऊपर से भी आप देख सकते हैं और इधर नीचे से भी देख सकते हैं, कहीं पर थोबी जलाती नहीं है रोटी को। लेकिन अगर तवा होता तो इस कंडीशन में हमारी रोटी जो है वो नहीं पकती, काली होती, जल जाती है ना कहीं से, जल जाती है। ये देखें अभी, ये भी वाह जी वाह माशाल्लाह जी। अभी तीन चार रोटियां जो है वो हमारी बन चुकी हैं, बाकी जो है ना तीन चार रोटियां रहती हैं, जैसे वो बन जाती हैं फिर हम जाएंगे अंदर जाके बैठेंगे सुकून से, खाना खाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। वो दूसरा आ गया, दूसरा नहीं आ गया, पांचवा, ये चार पांच जो है ना, पांचवा, हाँ पांचवा, पांचवा, क्योंकि ये काफी मजेदार चीज है। ये तो मुझे पहले पता नहीं था ये थोबियां भी होती हैं, यानी कि सुना था देखा भी था, लेकिन मैंने कहा शायद आजकल ना ये नहीं मिलती, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि ये आजकल के दौर में जो है ना ये मिल जाती हैं। अगर मुझे पता होता तो हम ये तवे शवे ना लेते, हम ये लेते, लेकिन ये है कि तवा गैस के ऊपर भी काम आ सकता है, लेकिन ये गैस पे काम नहीं आती, ये लकड़ के लिए है, कोई ये ना भूल के गैस के लिए ना लेके चला जाए भी गैस के ऊपर रोटी बनाएंगे। ये कम से कम लकड़ के ऊपर भी 5 से 10 मिनट जो है ना ये लगातार लकड़ चंगी आग जलाएं, तब जो है ना ये गर्म होती है, क्योंकि ये पत्थर है, समझ लें, ये पत्थर जो है ना ये गर्म होने में भी टाइम लगाता है, ठंडा होने में भी टाइम लगाता है, तो इस वजह से ये गैस में वारे नहीं है, ये सिर्फ लकड़ पे आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। रोटी वगैरह भी ज़बरदस्त बनाएगी, जलाएगी भी नहीं रोटी को, और इसकी आग जो है वो आपने बुझने नहीं देनी है, आग इसकी जो है ना वो लगातार चलती रहे, तब जो है ना ये रोटियां अच्छी बनाती हैं। कैसे भाई? हाँ जी सही बात की है ना। हाँ जी, हाँ जी, ये हम पहले उतर गए थे शादी पे। किसकी शादी है? ये मौसम भैया की। वो तो उधर निकाह पर जब गए थे। हाँ जी। अभी कहाँ गए थे? अभी कहाँ गए थे? अभी गाड़ी पे। गाड़ी पे कहाँ गए थे, किसके घर गए थे? ये चाचू अल्ताफ के घर। चाचू अल्ताफ के घर? हाँ जी। अभी चाचू अल्ताफ का नाम ना लो, मुझे मूंछ आ जाती है, कल आ रहे हैं, आज फिर ना मुझे मूंछ आ रही है, मैं कहता हूँ आज फिर चला जाऊं। कैसे? ऐसे। वो कहता है ऐसे, इब्राहिम भी कह रहा है कि ऐसे, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, अपना घर है, अपना घर तो इंसान नहीं छोड़ सकता, लेकिन मोहब्बत की बात है जी अल्ताफ भाई से, तो फिर आपको पता है इंसान ना जब दो चार दिन पांच दिन एक साथ रहे ना, फिर जब वो बिछड़ता है तो दो चार दिन ना वैसे भी याद जो है ना वो आती रहती है, तो अल्लाह पाक जी सलामत रखे सबको। वैसे भी भाई भाभी उनकी पूरी फैमिली बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना उनको पूरी उनकी फैमिली को अल्लाह पाक सेहत वाली लंबी जिंदगी दे, और ताकि वो भी हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा दिल खुश हो जाता है, जब हम जाते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है, तो ये दुनिया है, दुनिया है ये चल रही है, क्योंकि जिंदगी का पता नहीं है, आज जिंदगी है कल नहीं है, तो इस दुनिया में से इंसान यही चीज लेकर जा सकता है, किसी के साथ मोहब्बत है, प्यार है, तो बाकी जो है ना किसी के साथ कोई नफरत या ये चीजें करने से इस दुनिया में क्या करके जाना है, तो अल्लाह पाक जी सबको हिदायत दे, मोहब्बत दे, और जो है खुश रहने की अल्लाह पाक जो है ना तौफीक दे, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक उनको खुश रखना चाहते हैं वो खुद खुश नहीं रहते, तो उनको भी अल्लाह पाक हिदायत दे, वो खुश रहें, किसी के ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं, किसी को अच्छा खाते हुए जेलस नहीं होना चाहिए किसी को, बाकी अल्लाह पाक जी बेहतरी फरमाए, और हमारी रोटियाँ जो है जैसे आपको बताया वो बन रही हैं,
जैसे बनती हैं फिर हम चलते हैं अंदर खाने के लिए। माशाल्लाह जी फाइनली फाइनली हमारी रोटी जो है वो ओके हो चुकी है। लास्ट में छोटी सी रोटी है इब्राहिम खान की, तो जैसे ये बन जाती है फिर इंशाल्लाह चलते हैं खाना खाते हैं। हाजरा क्या कर रही हो? ये उठा रही। अच्छा ये उठा के ले जाओ, लास्ट रोटी है आपकी। हाँ जी। हम चलें फिर अंदर। चले। सही है, चले है। आपकी इतनी है? हाँ जी। चलो 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 अंदर चलते हैं। और वो आपकी मम्मा ना लेके आ रही है रोटी, फिर जो है ना रोटी खाते हैं जी। और भाई एक मेरी भी अभी बहर खड़ी हुई है, इसको भी अंदर खड़ा करना है। हम जगह बना रहे हैं। जगह किस चीज की? चारपाई की। चारपाई की? हाँ जी, ये चारपाई की। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। अंदर बिस्तरे वगैरह भी लग चुके हैं, सब अपना काम कर रहे हैं। ये जो है अपना काम कर रहा है, हाजरा अपना काम कर रही है, बस फिर अपनी काम अपना काम कर रही है, सब जो है काम में मसरूफ है। इब्राहिम नहीं करो, आ जाओ अभी ये चलते हैं, क्योंकि बहर ना ठंड है, आग पे बैठे रहे। अभी हम आ गए इधर, इधर आके खाते हैं जी खाना और इधर बेड पे बैठते हैं। आप किधर आ गए हो? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माशाल्लाह जी बच्चों की फरमाइश जो है वो पूरी कर दी है, क्योंकि घर आते ही बच्चों ने फरमाइश कर दी थी इस रोटी की जो कि हमने बना ली है। और जिस बहन भाई ने हमारे साथ खाना खाना है वो आ सकता है, और हम तो खाना खाने लगे हैं। अभी ये रख दें जी, और खाना वगैरह जो है वो ले आए और सबको दें, फिर जो है ना खाते हैं। माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह सालन वगैरह भी आ चुका है और रोटी भी आ चुकी है और बच्चे वगैरह भी सब आ चुके हैं। जैसे आप जानते हैं वसीम, हाजरा, इब्राहिम, नादिया, अकरम और मोसफेरा। मोसफेरा हमारी कैमरामैन है और हम बाकी फैमिली जो है बैठी हैं। और जैसे कैमरा बंद होगा फिर एक साथ बैठ के हम खाएंगे खाना। तो आ जाएं, वेलकम, बिस्मिल्लाह करते हैं और वीडियो भी हमारी यहीं पर एंड कर देते हैं, क्योंकि रात काफी हो चुकी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चाहते हैं तमाम बहन भाइयों से इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद।